नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, राजेश पायलट की सजा उनके बेटे को दी जिसने कांग्रेस के खिलाफ परिवार के खिलाफ बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, जेब अख्तरा अकेला नहीं आता, ध्यान भटकाने वाला मोदी, जेब काटने वाला अडानी और लाठी मारने वाला शाह। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा बोले, इंदिरा की जयंती पर भारत वर्ल्ड कप हारा, फाइनल तब करवाएं जब नेहरू गांधी परिवार का जन्मदिन हो। पंजाब के गुरुद्वारे में निहंग सिख की गोली मारकर हत्या, एक पुलिसकर्मी की मौत, 3 घायल। करिश्मा तन्ना के पति वरुण बंगेरा और अभिनेता समीर कोचर ने 1.3 करोड़ की धोखाधड़ी, बिल्डर पर आरोप, केस दर्ज। अलीगढ़ में 3 मंजिला कपड़े की दुकान शोरूम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। हरदोई में दबंगों के हौसले बुलंद, अधिवक्ता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, अधिवक्ता की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में भ्रष्टाचार का बोलबाला, फूड इंस्पेक्टर ने ली रिश्वत, रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने। कौशाम्बी में रेप पीड़िता के हथियारों से हुई पुलिस की मुठभेड़, मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। लखनऊ में बिजली कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली, विधायक योगेश शुक्ला ने रैली को दिखाई हरी झंडी। चीन में फिर रहस्यमयी बीमारी, बच्चों से भरे हैं अस्पताल, WHO ने मांगी रिपोर्ट, मरीजों की लगी लंबी कतार। UNSC में फिलिस्तीनी राजदूत बोले, गाजा में निकले स्थायी समाधान, इजरायली राजदूत ने कहा, सीज फायर के बाद होगा हमास का काम तमाम। नेपाल में सुबह सुबह कांपी धरती, 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके किए गए महसूस, भारत ने भेजी राहत सामग्री की 4थी किस्त। बंधक समझौते को अंतिम रूप देने कतर जाएंगे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख, रिहा होने वालों की सूची में हत्यारे का नहीं होगा नाम। अमेरिका में भारतीय तीसरे सबसे बड़े अवैध अप्रवासी पीओ की रिपोर्ट से खुलासा। वनडे में मोहम्मद सिराज से छीना नंबर 1 का ताज, कोहली रोहित ने लगाई लंबी छलांग। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, रिपोर्ट्स में चीफ सेलेक्टर अगरकर से बातचीत का दावा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पैट कमिंस घर लौटे, आम यात्री की तरह ट्रॉली ले जाते हुए दिखे, टैक्सी के लिए लाइन में लगे। नए दिन के साथ नई शुरुआत करना जरूरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले सूर्य कुमार यादव ने कहा, यंग प्लेयर्स के साथ फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में राकेश कुमार ने 3 गोल्ड जीते, भारत ने कुल 9 मेडल के साथ टॉप पर फिनिश किया। दीपिका कक्कड़ ने अपने लाडले बेटे रुहान के लिए घर में बनाया है एक खास कॉर्नर, अपने हाथों से बनी चीजों को किया है तैयार। बेहद ग्लैमरस अवतार में दिखी आलिया भट्ट को लोग बुलाने लगे आलू जी, चिड़कर एक्ट्रेस बोली, ये क्या नया शुरू हो गया। कुछ भी खास नहीं तू जो पास नहीं, लेडी लव जैस्मिन भसीन को मिस कर रहे एलिगोनी, तस्वीर पोस्ट कर बयां की फीलिंग। इस
इंसिडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तोड़ दी थी वरुण धवन की नाक, करण जौहर ने किया खुलासा। अंकिता, मुझे एंटरटेनिंग लगी वो घर में निरूपा राय क्यूब बनी हुई हैं, बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट को लेकर फराह खान ने किया रिएक्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।